Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. निसारीगेट थाने के लोहारपुरा में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर चली गोलियां। गनीमत रही कि जिस व्यक्ति पर गोलियां चलाई गई वह बाल बाल बचा। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल आसिफ उर्फ भूरा का अपने भतीजे फरदीन से काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। फरदीन की मां की कोरोना काल में मौत हो चुकी है, जिसके बाद सारी संपत्ति उनका देवर यानी फरदीन का चाचा आसिफ अपनाना चाहता है। इसी को लेकर आसिफ फरदीन और उसके मामा जमशेद से रंजिश रखता है। दोनों में पहले भी मार पिटाई हो चुकी है। रात एक बार फिर हिस्ट्री शीटर भूरा अपने साथियों को लेकर लोहारपुरा निवासी जमशेद के घर पहुंचा और फोन पर बात कर रहे जमशेद पर पीछे से कई राउंड फायरिंग कर दी। उसने किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचाई। सुनिए जमशेद से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद है। रोहित भाई, क्या मामला हुआ है सर? मेरे भांजे का इससे विवाद चल रहा है, अपने चाचा से भूरे से। अच्छा। और उसके ऊपर भी अभी अभी मुकदमा दर्ज हुआ है लड़ाई झगड़े का कोतवाली से। अच्छा। और अभी ये मेरे पे फायर करके गया है। अच्छा। तीन फायर करे मोहल्ले, पूरे मोहल्ले के सामने। अच्छा। मैं बच गया, मैं फोन पे बात कर रहा था, गली में खड़ा हुआ। कब से विवाद चल रहा है? कैमरे में भी आ रहे हैं, दो जने थे। कब से विवाद चल रहा है? ये एक डेढ़ महीने से चल रहा है। कौन कौन लोग थे फायरिंग करके? प्रॉपर्टी का विवाद है। फायरिंग करके जो गए हैं कौन कौन लोग? ये आसिफ भूरा है, पुराना शीटर है कोतवाली का। कोतवाली जी। आपसे क्या रंजिश है? मैं बस ये रंजिश है, मेरे मैं अपने भांजे का सपोर्ट में हूँ। अच्छा। जी फुटेज में आए हैं क्या? हाँ फुटेज में आ रहे हैं, वो दो जने। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है।